नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल ट्रेड विद थ्रोनिक। चलिए दोस्तों, आज की शुरुआत करते हैं। जो आज का शेयर है वो है IFCI के बारे में बात करने से पहले, अगर अभी तक आपने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को बजाना बिल्कुल ना भूलिए। तो दोस्तों, आज का जो शेयर है थोड़ा सा, तो आज की जो कॉल है यानी कि जो आज की वीडियो थोड़ी लंबी जाने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। तो आज है 9 दिसंबर और दिन के 2 बज रहे हैं, लाइव मार्केट ओपन इस टाइम पे। मगर आज इसके अंदर जो फोर ईयर्स का हाई पे ट्रेड कर रहा है आज का जो शेयर है ये, तो ये देखिए मैं कंपनी की वेबसाइट पे आ चुका हूँ। IFCI के लिमिटेड गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी है। कंपनी का फुल फॉर्म क्या है, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है ना, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो कंपनी का नाम तो आपको क्लियर हो गया है, कंपनी का वर्किंग क्या है वो थोड़ा समझते हैं। प्लीज़ वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो के अंदर बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैं आपको, ठीक है। तो क्या करते हैं कि भाई गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी किस में, फाइनेंस सेक्टर के अंदर। किसके अंदर कंपनी, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनेंस सेक्टर में। करते क्या है ये ना, बेसिकली जितने भी वेंचर आते हैं गवर्नमेंट के या कोई भी कंपनी का स्टार्टअप चाहिए, गवर्नमेंट तरफ से फंडिंग चाहिए होता है, वो इसके द्वारा होती है। गवर्नमेंट तरफ से फाइनेंस किया जाता है, ठीक है ना, वो फाइनेंस किया जाता है IFCI की तरफ से, ठीक है ना, IFCI की तरफ से फाइनेंस किया जाता है। इनकी सहायक कंपनी, देखिए 6 सब्सिडियरी में इसके साथ कंपनी चल रही है, इसकी मेन सहायक कंपनी और भी चल रही है, ठीक है। ये देखिए किटोलको लिमिटेड, सामाजिक क्षेत्र पहल समितियां बन रही है, समितियां इनके साथ चल रही है, ठीक है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास निधि प्रबंधक विकास संस्थान, इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप डेवलपमेंट, ठीक है ना, ये सारी कंपनियां इनके अंडर में काम करती हैं, इनकी सब्सिडरी में काम करती है। बेसिकली क्या है, जितना भी गवर्नमेंट से रिलेटेड और बाकी जो भी कंपनियों को स्टार्टअप चाहिए होगा, ठीक है ना, वो इसको फंडिंग करती है। गवर्नमेंट के द्वारा से जो फंडिंग की जाती है वो इस कंपनी के द्वारा की जाती है, इस सेक्टर के द्वारा की जाती है। IFCI के द्वारा ही किसी भी सेक्टर को फंडिंग देती है गवर्नमेंट, तो वो इसके माध्यम से देती है, ठीक है ना। ये इनके वेंचर है सारे, ठीक है ना, IIDL, ठीक है ना, मोदी IDL, ठीक है ना, ये इनके वेंचर है सारे। जो भी स्टार्टअप चलेगा, जो भी कंपनी, जो भी उत्पाद सेवा होंगी, जिनमें गवर्नमेंट का कुछ भी होगा, तो उसमें गवर्नमेंट के द्वारा से जो भी फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा से जो लोन दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, वो इसके द्वारा दिया जाता है, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट होती जितनी भी कंपनी, जैसे अडानी जितनी भी गवर्नमेंट के द्वारा फंडिंग की थी वो इसके द्वारा दी गई थी, ठीक है ना। बेसिकली इनका काम क्या है, गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी, गवर्नमेंट क्या करती है कि भाई अपनी तरफ से जो पेमेंट जो करती है वो इसके द्वारा देती है। तो मोटा मोटा आपको समझ आ चुका है, ये देखिए ना, इसमें ये देते हैं वित्तीय सहायता करते सारे के सारे, ठीक है ना। गवर्नमेंट के बीच में एक मेडिटर जैसा बनता है ना, वो ये कंपनी का काम, जिस कंपनी का वो काम है, ठीक है ना। किसी मीडियम को यानी SC ST को जो लोन प्रोवाइड किए जाते हैं, उसमें कोई भी लोन प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट तरफ से, तो ये IFCI करती है, ठीक है ना। कोई भी कंपनी यानी कि कर्जे में, तो उसको कर्जे से उभारने के लिए गवर्नमेंट उसको स्कीम के द्वारा तहत पैसे देती है, वो भी इस कंपनी के द्वारा दिया जाता है। तो बेसिकली आपको समझ आ चुका है ये क्या वजह है, आप समझते हैं शेयर के अंदर चल क्या रहा है, क्या इस शेयर में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, ये भी समझते हैं। तो मोटा मोटा ओवर भी समझ आ गया, फाइनेंस करती कंपनी, ठीक है ना, फाइनेंस का काम है, देखिए ना, अनुसूचित जातियों के लिए ऋण गारंटी योजना, ठीक है ना, ये इसका काम है सारा। आप समझते हैं इसके अंदर चल क्या रहा है। तो ये देखिए आज के दिन पे 1.5% की तेजी से ट्रेड कर रहा है ये, ठीक है ना। हेडक्वार्टर्स का न्यू दिल्ली के अंदर है, सब स्टॉक जो भी स्टॉक एक्सचेंज चलता है उसको भी फंडिंग ये करती है अपनी तरफ से गवर्नमेंट। तो इसके ओपन होता है ये 17.90 रुपये पे हाई मारता है, 18.55 रुपये का लो मारता है, 16.95 रुपये का 52 हाई इसने आज के तोड़ा अपना, 18.55 रुपये का 52 लो है इसका, 8.05 रुपये का। 5 दिन में इसने कितने रिटर्न दे, अभी तक 28% देते थे, 1 महीने में इसने 46%, 6 मंथ के अंदर 35% पॉजिटिव में, ईयर टू डेट के अंदर 92% रिजल्ट दे पॉजिटिव के अंदर, ठीक है ना। ये आपको मोटा मोटा ओवरव्यू समझ आ चुका है इसका। अब इसकी शेयर होल्डिंग देख लेते हैं थोड़ा सा, प्रमोटर की इसके अंदर होल्डिंग है 63.81, FIS की भी होल्डिंग है इसके अंदर 2.5, DIS के 9.03, पब्लिक की होल्डिंग है 2.65। तो ये ओपन ओपन व्यू है कि कितनी किसकी होल्डिंग है, ये आपको समझ आ चुका है। अब समझते इसके अंदर देखते हैं NSE सेट पे आ चुका है, इसके अंदर कितनी डिलीवरी उठाई गई है अभी तक 12 बजे तक। ये देखिए 9 दिसंबर 12 यानी कि 1 बजे तक इसके अंदर कितनी डिलीवरी उठा दी गई है, 35%। कितनी डिलीवरी उठा दी गई है, 35% 1 बजे तक इसमें अंदर 35% डिलीवरी उठा दी गई है, होल्डिंग में चला चुका है शेयर। अब इसके अंदर थोड़ा सा और समझते हैं, तो इसका थोड़ा सा अपना फाइनेंशियली और चेक कर लेते हैं इसके अंदर क्या है क्या नहीं है, ये भी समझ लेता थोड़ा सा। तो इसका मार्केट कैप है 3649 करोड़ रुपये का, ROC इसका माइनस में चल रहा है, -5.80%, बुक वैल्यू इसकी 13 रुपये की है, ROE रिटर्न ऑफ इक्विटी -44.2% है, फेस वैल्यू इसकी 10 रुपये की है। अब इसके अंदर
पॉजिटिव साइन क्या है, कंपनी ने अपना कर्जा कम किया, ये आपको थोड़ी देर में दिख जाएगा। इसका क्वार्टर टू का रिजल्ट देखते हैं। इसका क्वार्टर टू का जो रिजल्ट आया था वो 11 नवंबर को आया था, ठीक है। 11 नवंबर से क्वार्टर टू का रिजल्ट आया था सितंबर टू का, तो इसकी इनकी सेल हुई थी 351 ये करोड़ में। इसका जो क्वार्टर टू का रिजल्ट है इसके करोड़ के अंदर है, इनकी सेल हुई थी 351 करोड़ की, बट इनको माइनस यानी कि प्रॉफिट मेकिंग नहीं गई थी ये कंपनी, क्योंकि इसका तो कर्जा कम करा इन्होंने, तो इनका जो नेट ऑपरेशन प्रॉफिट आया था माइनस में 314 करोड़ का आया था, ठीक है। नेट प्रॉफिट इनको आया था 485 माइनस में करोड़ में, ठीक है ना। ईपीएस भी इनका माइनस होता, बट इसमें एक पॉजिटिव साइन कहाँ पर इनकी, देखिए जून क्वार्टर के अंदर सेल से थोड़ा सा डाउन थी, बट इनका देखिए जो माइनस में था प्रॉफिट, यानी कि जो इनका प्रॉफिट था माइनस में था 605 करोड़ का, वो घट के हुआ 300 यानी 50% डाउन हुआ है। इनका जो कर्जा हुआ 50% कम किया इन्होंने। देखिए ईपीएस में भी डाउनफॉल देखने को मिला है, यानी -3.44 था, घट के हुआ -2.37। वहीं नेट प्रॉफिट भी देखेंगे 702 था, वो घट के हुआ 485 माइनस के अंदर। तो ये प्लस पॉइंट था। बाकी सितंबर ईयर वाइज देखेंगे तो ईयर वाइज कंपनी प्रॉफिट में थी, यानी पॉजिटिव में थी, पॉजिटिव से नेगेटिव गई थी, इसलिए इंपैक्ट भी देखने को मिला था आपको। तो ईयर वाइज भी कंपनी ने प्रॉफिट में माइनस में दिया, बाकी जून क्वार्टर से कंपनी का रिजल्ट सितंबर क्वार्टर के अंदर काफ़ी अच्छा है कि उन्होंने अपना कर्जा कम किया है, ये सबसे अच्छा इंडिकेशन है। यानी जून क्वार्टर के अंदर के बाद से इन्होंने फर्स्ट क्वार्टर में ही इन्होंने अपना आधा कर्जा कम कर दिया, 50% कम कर दिया, यानी दो क्वार्टर के बाद इसके अंदर अच्छी अब ट्रेंडिंग देखने को मिलेगी आपको। तो इसका मोटा मोटा ओवरव्यू समझ आ चुका है आपको। तो थोड़ा टिकट टेप की साइड पर खोलता हूँ, टिकट टेप की साइड पर ज़्यादा कुछ नहीं होता है, तो अब समझते इसका चार्ट के अंदर, मोटा मोटा समझते इसके अंदर। तो ये देखिए मैंने इसका ना डेली चार्ट ओपन करते हैं अपन इसका, ये देखिए डेली चार्ट ओपन हो रहा है। अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। ये देखिए इसका डेली चार्ट ओपन हो चुका है। डेली चार्ट पे देखिए कितनी अच्छी बुलिश कैंडल ट्रेड हो रही है। पहले इन्वर्टेड हैमर कैंडल होती है, इन्वर्टेड हैमर के कैंडल के बाद कैसे कैसे बुलिश कैंडल ट्रेड हुई है, यानी कि कितने वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो रही है, यानी कि लास्ट 2 दिसंबर के बाद से इसमें हैवी वॉल्यूम के साथ बाइंग आना स्टार्ट हो चुकी है। ये देखिए अपने यानी कि 7 डेज, 21 डेज, 100 डेज, 150 डेज, 200 डेज के एवरेज मूव के अप ट्रेंडिंग तरफ चल रही है। देखिए शेयर यहाँ पे RSI पे देखिए MACD कितना अप ट्रेंडिंग तरफ है। RSI देखिए RSI 80 के अबव जा चुका है इस टाइम पे, तो इसमें अभी भी और अप ट्रेंडिंग आएगी। तो आपको क्या करना है, मैं स्टॉप लॉसेस में दूंगा नहीं, थोड़ा लॉन्ग टर्म के पर्पज से दे रहा हूँ आपको बाय करना। जैसे मैंने ट्राइडेंट का कॉल दी थी उस टाइम पे शेयर इसी लेवल पे ट्रेड करता 17-18 रुपये, आज वो ट्राइडेंट का शेयर मेरे 60 रुपये तक के लेवल हिट होके गया। तो ये भी आपको मल्टी बैगर शेयर बनेगा आने वाले टाइम पे, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर का शेयर है, गवर्नमेंट फाइनेंस के जिस तरह से लोन बांटती है, तो उसका जो अप डाउन होगा इस कंपनी के हाथ में रहेगा। तो बेसिकली लोन बट रहा है तो लोन को रिकवर करने का काम भी इनका होगा, रिकवर जो प्रॉफिट आएगा लोन से इंटरेस्ट आएगा वो इनको प्रॉफिट देगा, तो उसमें से कुछ मार्जिन इनका होगा, बाकी गवर्नमेंट को जाएगा। तो बेसिकली क्या है कि आपको इसमें कुछ नहीं करना, आपको इसके अंदर जो मेरा पहला टारगेट रहेगा, देखिए इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है क्योंकि ये अपने 44 ईयर्स के हाई पर ट्रेड कर रहा है इस टाइम पर, ये 52 हाई से आज कब तोड़ा है इसके अंदर, जो इसके अंदर गिरावट होगी। देखिए इसके अंदर आपको 10 रुपये तक के लेवल दिखता था, 10 रुपये लेवल तक में बाय करिए, स्टॉप लॉस 10 रुपये का लेकर चलिए। इसके अंदर लॉन्ग टर्म के पर्पज से दूंगा, 3-4 महीने का टारगेट दूंगा आपको, 3-4 महीने में सारी कॉल हिट होंगी, आपको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते शेयर को लॉन्ग टर्म के पर्पज से, आपको इसको बाय करना है। तो 10 रुपये के लेवल तक भी आता तो भी इसमें बाय करना है, जितनी गिरावट है तो गिरावट से बाय करिए, और कभी भी इसमें अप ट्रेंडिंग का बाय आएगी तो डेफिनेटली इसमें एकदम से झटके में आपको अप ट्रेंडिंग दिखेगी, और डेफिनेटली इसमें अप ट्रेंडिंग आपको दिखेगा। तो आपको क्या करना है, इसमें जो मेरा पहला टारगेट आएगा वो आएगा एक हफ्ते के अंदर भी आ सकता है, वो आएगा 20 रुपये का यहाँ से, ठीक है ना। 20 रुपये का पहला टारगेट होगा, वैसे 20 का हिट का होगा तो दूसरा टारगेट मेरा 25 का है, तीसरा टारगेट मेरा 30 का, चौथा टारगेट मेरा 35 का। ये 3 टारगेट आप बाय करिए, पहला टारगेट 25 का, दूसरा टारगेट 30 का, पहला टारगेट तो मेरा 20 का नियर बाय का है, दूसरा टारगेट 25 का है, तीसरा टारगेट 30 का, चौथा टारगेट 35 का। आप 30 तक होल्ड रखिए, 30 तक का टारगेट लेके चलेंगे हम लोग अभी शॉर्ट टर्म के टारगेट के हिसाब से। तो पहला टारगेट 20 का, दूसरा टारगेट 25 का, तीसरा टारगेट 30 का। 30 का मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए आपको थोड़ा वीकली चार्ट पर जाना होगा। इधर देखिए आप चूँकि कितने वॉल्यूम के साथ ट्रेड हुई है, देखिए इस गैप में वॉल्यूम नहीं होता, यानी 12 अक्टूबर के बाद से अब इसमें वॉल्यूम आना स्टार्ट हुआ है। तो लास्ट 4 ट्रेडिंग सेशन के अंदर वॉल्यूम तेज हो रहा है, तो वॉल्यूम तेज होने की वजह के लोग इसमें एक्टिव है, तो इसमें बाइंग हो रही है, इसलिए इसमें वॉल्यूम आ रहा है। तो वॉल्यूम का इंपैक्ट आपको दिख रहा है, शेयर अप ट्रेंडिंग तब जा चुका है। ये देखिए वीकली चार्ट पर देखेंगे तो वीकली चार्ट पर कितनी वॉल्यूम के साथ, कितनी हैवी वॉल्यूम के साथ बुलिश कैंडल ट्रेड हुई है। तो वीकली चार्ट पे भी अच्छा इंडिकेशन दिख रहा है, MACD RSI दोनों अब ट्रेंडिंग था, वीकली और डेली चार्ट पर दोनों इंडिकेशन दिख रहे हैं। तो ये देखिए काफ़ी अच्छी बात है कि वीकली और डेली चार्ट पे भी इंडिकेशन आ रहा हैवी वॉल्यूम के साथ बाइंग। ये देखिए थोड़ा सा क्लोज करते हैं, थोड़ा जूम कम करते हैं, ये देखिए आपको
ये देखिए कितनी हैवी वॉल्यूम अभी तक नहीं हुई है, लास्ट 4 साल के अंदर इतनी वॉल्यूम के साथ बैंग नहीं हुई है। ये देखिए एवरी यानी कि ये कब था, 15 जनवरी से, जब इसमें 15 जनवरी 2018 से इसमें गिरावट थी उसके बाद से अब ट्रेंडिंग नहीं आई है, यानी 4 ईयर्स के हाई पे भी ट्रेड है, 18, 19, 20, 21 यानी 4 साल के हाई इस पर ट्रेड कर रही है। देखिए इसका ट्रेड जाएगा तो डेफिनेटली इसमें देखो मैंने बोला ना 35 तक के टारगेट, देखिए ये जो कैंडल है 35 के टच करके वापस आई थी, तो इसलिए मेरा टारगेट 35 का, बट हम शॉर्ट टर्म के टारगेट 30 तक का टारगेट लेके चलिए। इसके बाद इसमें फिर से कॉल दूंगा, फ्रेश बैंक दूंगा, जब तक आप इसमें बाय करिए 10 रुपए के स्टॉप लॉस से बाय करिए, पहला टारगेट 20 का, दूसरा टारगेट 25, तीसरा टारगेट 30 रुपए, 3 टारगेट बाय करिए, पैसा होल्ड रखिए। आई होप ये वीडियो आपकी यूजफुल है, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर फॉरवर्ड करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।